पहले हमें ये सूचना मिली कि एक ट्रक जो है खाई में चली गई है और वो उसके ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये उसके बारे में हम सूचना प्राप्त ही कर रहे थे क्योंकि उसमें ड्राइवर भी नहीं था, हम जानकारी कर ही रहे थे। तो पता ये चला कि इस ट्रक पे एक जो सामान लदा हुआ है वो एक बिहार के रहने वाले व्यक्ति का सामान है जिसमें करीब करीब 1300 से 1400 पेटी रिफाइंड लदा हुआ था। तो उस व्यक्ति के द्वारा यहाँ आया गया और यहाँ पर अपनी FIR दी गई और उसके द्वारा शक जाहिर किया गया कि ट्रक ड्राइवर के द्वारा ही उसके ट्रक पे जो सामान लदा हुआ था वो गायब किया गया है। उसी आधार पे हमने मुकदमा पंजीकृत किया और ट्रक ड्राइवर की खोज जारी की गई। मुखबिर के माध्यम से हमें पता चला कि ये व्यक्ति एक हरहुआ जगह है, वहाँ पर वो व्यक्ति मौजूद है। हम उसके जगह पे निशानदेही पे वहाँ पे गए और पता चला कि वो व्यक्ति जो है ट्रक ड्राइवर ही है। उससे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसमें जो सामान था वो सामान उसके द्वारा ही मऊ जनपद में एक जगह पे छिपा कर रखा गया है। उसको ले जा करके तस्दीक किया गया, पता चला कि वास्तविक रूप में मऊ में घोसी थाने के अंतर्गत एक जगह थी, गांव था, वहां पर उसके द्वारा सामान रखा गया था। सामान को प्राप्त कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके आज उसे जेल भेजा जा रहा है। कितने का माल था ट्रक पर? करीब 20 लाख रुपए का सामान जो है ट्रक पर लदा हुआ था, उसकी रिकवरी की गई। किस क्षेत्र में उनका था ट्रक? जो है इसी बड़ा गांव थाना क्षेत्र में ही पलट गया था।